So for this SEP structure, atomic packing factor for SEP, hexagonal close pack, we will find the atomic packing factor, that is 0.78. How we will get this 0.74? First of all, the formula of atomic packing factor always number of atoms multiplied by volume of atom upon volume of unit cell. So volume of unit cell, volume of unit cell is area of hexagonal face multiplied by height of hexagon multiplied by area of hexagonal face. तो इसको अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 12 एटम्स हैं, 1/6 पोर्शन उनका है इनसाइड, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 एटम्स टॉप और बॉटम में है, प्लस 3 एटम्स मिडिल में, दैट इज 6 एटम्स आ गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स. नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है इसका हमको एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए हम करेंगे बी एच अपॉन टू, डेट्स अ फॉर्मूला हियर. द बी एच अगर हम ऐसा बनाना चाहें, ये अगर हमने बनाया है हेक्सागन, सब साइड्स इक्वल होंगी इसकी, तो ये हम बी ले लेंगे, ये वाला यहाँ ए हो गया और ये एच, हियर द एच. सो व्हेन वी फाइंड ए इज इक्वल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू बी, सो ए एच अपॉन टू, ए एच, ए एच अपॉन इज इक्वल टू हाफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए रूट 3 अपॉन टू, दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. देन एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4, एरिया ऑफ हेक्सागन. देन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन SEP स्ट्रक्चर, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब रूट 3 अपॉन 4 multiplied by c. When we have calculated this and put in the APF formula, six multiplied by 4πr³/3 upon in under bracket रूट 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.633, इसको हम कैलकुलेट करके वैल्यू रख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब. जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा ए पी एफ ऑफ एस टी पी इज इक्वल टू 0.74. दैट्स द आंसर.